नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। ग्रेटर नोएडा में बागेश्वर वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दिव्य दरबार में बुधवार को भीड़ ज्यादा होने से भगदड़ मच गई। गर्मी उमस होने से कई लोग बेहोश हो गए, 10 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती किया गया है। घटना के वक्त कार्यक्रम में 5 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। दरबार में अर्जी लगाने की होड़ मची थी, भीड़ बेकाबू हो गई और अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि VIP पास से पीछे छोटे से गेट से एंट्री करवाई जा रही थी, वहां पर बिजली के तार होने से एक महिला को करंट लगा। घायल हुए लोगों में ज़्यादातर बच्चे और बुजुर्ग महिलाएं हैं। कार्यक्रम के लिए आयोजकों ने 3 पंडाल लगाए थे और तीनों भर गए थे। पंडाल के बाहर भी भक्तों की भीड़ लग रही थी। बड़ी संख्या में VVIP पास जारी किए गए थे, लेकिन भीड़ को देखते हुए VIP एंट्री पहले ही बंद कर दी गई थी। दोपहर 12 बजे से पहले ही दिव्य दरबार में 5 लाख से अधिक लोग पहुंच चुके थे। इसके बाद भी श्रद्धालुओं का दिव्य दरबार में आना लगातार जारी रहा। धीरेन्द्र शास्त्री की झलक पाने के लिए कार्यक्रम स्थल पर हालात बेकाबू हो गए। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी पे। धन्यवाद।